तो आज के इस रिव्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपका वेस्ट बंगाल में है, जिसे शॉर्ट में MSIT के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हमने और भी कई सारे कॉलेजेस के रिव्यू किए हैं, लाइक NSEC हो गया, JIS हो गया, ब्रेन वायर यूनिवर्सिटी, हल्दिया, नरूला, इन सबका रिव्यू हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSIT के बारे में। तो इसका जो कैंपस है आपका सिचुएटेड है टेक्नो कॉम्प्लेक्स के आसपास है, एंड ये इसका एड्रेस है। जब आप जा रहे हो तो देख लेना किस एड्रेस पे आता है। लोकेशन वाइज काफी अच्छी लोकेशन है, बट दिक्कत क्या होती है कि वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में कि ज्यादातर कॉलेज आपको एक कैंपस बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब एक प्रॉपर कैंपस लाइफ नहीं मिलने वाली है। शायद गिने चुने ही कॉलेजेस है जहां पे आपको मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज में यही होता है कि आपको कैंपस के बाहर जो भी सिटी लाइफ होती है वो आपको मिल जाएगी, बट कैंपस लाइफ बहुत ही कम मिलती है। सो कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए स्कूल वाली फीलिंग भी आ सकती है, बट जो है यही है, इसी में आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। ना बात करें MSIT की स्टैब्लिश्ड की, तो 2001 में स्टैब्लिश हुआ, ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज है, ये आपका टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर ही आता है। साथ ही कॉलेज आपका AICT से अप्रूव्ड है। इसके अलावा मकाउट यानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से भी एफिलिएट है, ठीक है। सारे करिकुलम इसी से चलते हैं, खास करके वेस्ट बंगाल के जितने भी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनका करिकुलम मकाउट से ही चलता है। यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जैसे कि फैकल्टी नो डाउट आपको हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे। हाँ, आप कुछ गिने चुने होते हैं, वो एक्चुअली आपको हर कॉलेज में मिलेंगे। सो मोस्ट ऑफ द फैकल्टी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। बाकी आपको डिजिटल फैसिलिटीज वगैरह भी मिल जाती है, लाइक लेबोरेटरीज में, लाइब्रेरी में, विच इज गुड थिंग। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, लाइक गेट हो गया, टॉफिल हो गया, आइल्स हो गया, JRE हो गया, इस तरह के अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा माहौल यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब उतना भी हाई लेवल का नहीं मिलने वाला जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो सेंट्रल कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, उस लेवल का नहीं है। बट अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से, स्टेट प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर कर रहे हो तो ठीक ठाक है उस रेंज में, उतना भी बेटर नहीं कह सकते बट ठीक ठाक है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वगैरह इन्होंने लिख रखा है कि आपको मिलती है फाइनल ईयर में, यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकती है, बट ये बहुत ही कम देखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ के कॉलेज को बेस्ट ब्रांच माना जाता है, बट ठीक है, मतलब उतना भी कुछ खास नहीं है। इसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, लाइक सेमिनार्स, टेक वर्कशॉप, टेक फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, वो भी उतने हाई लेवल पे नहीं, थोड़ी थोड़ी, विच इज गुड थिंग, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में आप ठीक ठाक मान सकते हो। एंड इन्होंने पास्ट में हैकाथॉन्स वगैरह में जो पार्टिसिपेट कर रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो, MSIT के भी उसमें विनर रह चुके हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो, सेकंड रनर अप है राजस्थान पुलिस हैकाथॉन जो इस साल का है, विनर ऑफ हार्डवेयर कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इन 2016 एंड 2018। तो थोड़ी थोड़ी ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही होगी, विच इज गुड थिंग। एंड कुछ कुछ यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी माहौल बनाए जा रहे हैं, बट उतना भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक आप मान सकते हो। बाकी अगर आपको R&D के बारे में और डिटेल में जानना है तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना एंड डिटेल में देख सकते हो। नाउ अगर बात करें एकेडमिक प्रोग्राम्स की, तो कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे है। एंड एक चीज मुझे जो डिसअपॉइंट करती है कि ये सारे कॉलेज ना CSE के अंदर इतने सारे स्पेशलाइजेशन लेके आ जाते हैं ना, अब वहाँ पे अब क्या होगा कि CSE में तुम्हारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, अब जॉब के लिए जो कंपनी आएगी बहुत सारे तुम्हें स्टूडेंट से कंपटीशन कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा कंपिटेटिव माहौल होता जा रहा है यहाँ के कॉलेज में। जैसे कि तुम देख लो AINDS है, एडवांस मेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो BCA ये तो अलग कोर्स हो गया, BBA अलग कोर्स हो गया, यहाँ पे दो अलग कोर्स है, बट इसके अलावा सिविल देखो, CSE देखो, CSBS देख लो, इसमें बिजनेस सिस्टम लेके आ गया है, AI&ML है, मतलब ठीक है, अगर नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है इसमें कोई गलत नहीं है, बट आप उतना अपॉर्चुनिटी भी दो स्टूडेंट को ताकि उन्हें जॉब मिल सके। साथ ही आप देखते जाओ CSE में साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, IoT है, CS&IT है, इसके अलावा आपको कुछ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग देखने को मिल रहा होगा, ECE है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको VLSI आपको दिख रहा होगा, ये आपका स्पेशलाइजेशन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके बाद IT है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, तो कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे लेके आ गए हैं, बट इसमें जो आपको NBA एक्रेडिट मिलेगा वो आपको CSE मिलेगा, CSBS मिलेगा, साथ ही आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ECE मिलेगा, ये चार प्रोग्राम्स ही है जो आपके NBA एक्रेडिट है अभी तक। नाउ सबसे मेन सवाल आता है एडमिशन का। एडमिशन देखो वेस्ट बंगाल के कॉलेज में खास करके WBJ या फिर JEE Main के स्कोर पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास ये स्कोर है या फिर WBJ का या JEE Main का, तो आप मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन ले सकते हो। मैनेजमेंट कोटा मींस आपका स्कोर मतलब उतना भी इंप्रेसिव नहीं है, बट अगर आप चाहते हो एडमिशन के लिए तो आपको कुछ ज्यादा फीस पे करना होता है, 10% सीट्स है मैनेजमेंट कोटा के लिए ऐसे, बट अगर सीट खाली रह जाता तो ये सारे सीट आ जाते हैं मैनेजमेंट कोटा में, ठीक है। तो ये खास करके डिपेंड करता है मैनेजमेंट कोटा का सीट, आप जितना जल्दी एडमिशन के लिए जाते हो उतना जल्दी आपको अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस रहते हैं। बाकी अगर काउंसलिंग के थ्रू जाओगे WBJ के, तो CSE का सिर्फ ये CSE है, इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है। जैसे लास्ट राउंड मॉपअप राउंड जो होता है उसमें पिछले साल का 40,000 तक कट ऑफ गया था, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा ब्रांच है CSE, अगर आपको 40,000 WBJ के 40,000 रैंक पे मिल रहा है। वही लास्ट के मॉपअप राउंड में अगर देखोगे JEE Main का तो 2,16,000 पे मिल जा रहा है ये कॉलेज, तो काफी हाई कट ऑफ जाती है CSE के लिए। बाकी अगर CSE का इतना कट ऑफ है तो आप समझ सकते हो अदर कोर ब्रांचेस का कट ऑफ कितना जाता होगा। बाकी अगर इंजीनियरिंग की क्राइटेरिया की बात करें तो 12th में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, वही PCM होना चाहिए, ठीक है, मैथ्स नहीं है तो बायो जैसे सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमारा गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट में मिल जाएगा या फिर आपको इस पीडीएफ में ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जाके भी आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो गए एडमिशन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे थ्रू भी ले सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आता है फीस, फीस कितना लगने वाला है। अगर आज से तुम 2-3 साल पहले की बात करो तो फीस उस टाइम पे बहुत मतलब अफोर्डेबल था, बट अभी धीरे धीरे फीस इंक्रीज होता जा रहा है। कोर ब्रांच में हालांकि तो आपको कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में कोर ब्रांच में सबसे ज्यादा फीस आपको देखने को मिल रहा होगा 90,000 के आसपास। वही सीएससी में ऑलमोस्ट आप 1 लाख समझ सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस, ठीक है, 1 लाख के समथिंग है। बाकी इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा कम फीस लग रहा होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका कुछ कुछ एकेडमिक फीस भी होती है एंड कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, तो वो सारे मिला के आपको खर्चे थोड़े लंबे चले जाते हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ से समझ सकते हो कि आपका 6.5 से 7 लाख आपका टोटल ट्यूशन फीस ही जाने वाला है। एंड सबसे यहाँ पे एक डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हॉस्टल अवेलेबल नहीं है तो आपको पीजी लेके ही रहना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट आप 1 लाख खर्चा वहाँ का भी मान लो रहने खाने का, तो कुल मिला के आप 11 लाख तक का खर्चा समझ सकते हो यहाँ से बीटेक करने का सीएससी रिलेटेड ब्रांच, ठीक है, तो 11 लाख का खर्चा होने वाला है। इसके अलावा कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे अगर आपका स्टेट आपको प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ से आप ले सकते हो, उसका फायदा ले सकते हो। इसके अलावा आप एजुकेशन लोन के लिए भी जा सकते हो अगर आपके लिए 11 लाख फीस मैटर करता है, ये सारे एजुकेशन लोन के आपके पास ऑप्शन रह जाते हैं। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है प्लेसमेंट स्टैट्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 4 साल का प्लेसमेंट स्टैट्स मेंशन है, बट अगर हम 2023 का देखें तो टोटल स्टूडेंट 454 था जिसमें से 8 ने हायर स्टडीज को चुना या फिर जो भी उनके पास ऑप्शन था, टोटल जॉब ऑफर किया गया 325। तो कुल मिलाकर अगर आप देखो तो 100+ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको प्लेसमेंट नहीं मिला। वही अगर 2022 का देखते हो तो 479 स्टूडेंट था जिसमें से 29 ने हायर स्टडीज को चुना एंड 370 का प्लेसमेंट के लिए गया, मतलब ऑफर हुआ, ठीक है, तो यहाँ फिर भी ठीक ठाक था। सो प्लेसमेंट का यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं रहता, जैसे अगर देखो 23 में 73% था, वही 22 में 83% था, फिर से यहाँ पे घट के 71% आ गया, तो ये यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। एंड अगर लास्ट ईयर का आप देखोगे हाईएस्ट सैलरी 21.64 एलपीए का था, इसमें एवरेज 4.34 एलपीए का था, ये सिर्फ आपका एवरेज है। अगर यहाँ से आप मीडियम सीटीसी का अंदाजा लगाओगे तो ये आपका 3 से 4 एलपीए का रेंज का होगा, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को 3 से 4 एलपीए का बीच का प्लेसमेंट लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ से आप देखो 15 स्टूडेंट को 6 से 8 एलपीए का बीच का प्लेसमेंट लगा एंड 8 से ऊपर का प्लेसमेंट 16 स्टूडेंट को लगा, ठीक है, बाकी जितने भी थे 294 वो 16 से कम के ही प्लेसमेंट थे। तो इस तरह से यहाँ का प्लेसमेंट का सीन है एंड यहाँ की प्लेसमेंट का भी कुछ फिक्स नहीं रहता कि आपको इतना प्लेसमेंट ही लगने वाला है, क्योंकि देखो 2023 में हाईएस्ट पैकेज 21 एलपीए का था, वही 22 में 36 एलपीए का था एंड अगर इस साल की अभी तक जो प्लेसमेंट चल रही है उसमें हाईएस्ट पैकेज 11.4 एलपीए के आसपास का लगा है। यहाँ पे जितने भी कंपनीज अभी तक ऑफर करी है प्लेसमेंट यहाँ से आप देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसमें सारे कंपनीज यहाँ पे आती है, बाकी मास रिक्रूटेड टाइप कंपनीज आपको दिख जाएगी, लाइक कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, विप्रो है, ये इस तरह की कंपनी जितने भी है आपको वो हर साल आती हुई दिख जाएगी। नाउ बात करें एमएसआईडी की कैंपस लाइफ की, तो जितने भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे मेंशनड है, लाइक क्लासरूम्स है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरीज है, कॉमन कंप्यूटिंग है, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, बॉयज हॉस्टल या फिर गर्ल्स हॉस्टल आपको देखने को नहीं मिलेगा, कॉमन रूम बाकी आपको देखने को मिल जाएगा, ई क्लासरूम्स है, लाइब्रेरी है, वर्कशॉप है, कंप्यूटर्स वगैरह दिख जाएंगे जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल वगैरह चल रहा होगा, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, तो इस तरह की जो भी बेसिक फैसिलिटीज है आपको मिल रही होगी, लाइब्रेरी भी आपको वेल इक्विप्ड मिल रहेगी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ एंड आपको इस कैंपस में मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, विच इज गुड थिंग। तो ओवरऑल ठीक ठाक है, मतलब उतना भी कुछ खास नहीं है कि आपको एक अच्छी फैसिलिटीज कॉलेज लाइफ जैसी लगने वाली है, वैसा नहीं है यहाँ का माहौल। अगर यहाँ का कैंपस लाइफ स्कूल से भी कंपेयर करते हो तो इसमें कोई गलत कंपेयर करना नहीं होगा। अब सबसे मेन सवाल आता है कि आखिर हम एमएसआईटी को चूज क्यों करें। सबसे पहले तो देखो, अगर तुम्हें 40,000 पे या फिर इस आसपास पे सीएससी ब्रांच चाहिए तो डेफिनेटली तुम जा सकते हो, या फिर अगर आपका जेईई मेन में 2 लाख के आसपास रैंक है एंड सीएससी से ब्रांच चाहिए कहीं और नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको मिल सकता है, विच इज गुड थिंग। इस केस में आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि मैंने इसको ओवरऑल रेट किया है 4.8 out of 10 एंड ये जो हमारा रेटिंग रहता है हर कॉलेज का वो मे बी नेक्स्ट ईयर चेंज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है रिसेंट स्टैट्स पे, जैसे कि पिछले 1-2 सालों का अगर बताओ। अब अगर 2025 में हम इसको रिव्यू करेंगे तो इसमें हम 23 या 24 का डेटा देख के करेंगे, ठीक है, तो मे बी पिछले साल ये और भी कम हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इस तरह से हम रेट करने वाले हैं ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप कॉलेज आपके लिए कितना वर्थ इट होने वाला है। एकेडमिक्स यहाँ की एवरेज मिलने वाली है, फैकल्टी थोड़े अच्छे हैं यहाँ पे, उतना भी बेटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ठीक ठाक है कह सकते हैं, स्कूल जैसी है। दूसरी बात, तो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली है। नाउ मेन सवाल आता है एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी का, वो भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है, बट कंपटीशन यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आरओआई भी ठीक ठाक निकल के आ जाती है, उतना भी कुछ खास नहीं है क्योंकि आप 10 से 11 लाख पे कर रहे होते हैं एंड बदले में आपको 4 के आसपास का पैकेज मिल रहा होता है। साथ ही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन्होंने लिख तो रखा है बड़े बड़े अक्षर में, बट उतना भी इंप्रेसिव नहीं है, ठीक है। कॉलेज लाइफ एवरेज मान सकते हो, ये कॉलेज लाइफ लोकेशन की वजह से मैंने दिया है, भले ही आपको कैंपस में उतना अच्छा ना मिले बट अगर आप बाहर के सिटी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए ओके ओके है, मतलब ठीक ठाक है। सो ये हमारा फिलहाल इसका रेटिंग बना है 4.8 out of 10। नो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि ये कॉलेज आपको क्यों प्रीफर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो एंड वेस्ट बंगाल के अंदर किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं हम इस तरह के नए कॉलेज रिव्यू वीडियो के साथ।